हेलो मेरे प्यारे प्यारे 11th टर्म 1 के एग्ज़ाम में सिर्फ पास ही नहीं, खास करने का इरादा बनाए हुए विद्यार्थियों, चाहे आप जैक बोर्ड से हों, यूपी बोर्ड से हों, बिहार बोर्ड से हों, महाराष्ट्र बोर्ड से हों, दिल्ली बोर्ड से हों, हरियाणा बोर्ड से हों, CBSE से हों, ICSE से हों, यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। और यदि आप आज का पूरा क्लास जो ट्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ साथ हर एक कॉन्सेप्ट पे मैं प्रयास करूँगा कि आपके भविष्य निर्माण के लिए कुछ MCQs दिया जाए, अगर इतना आप कर लेंगे तो 11th टर्म 1 के सवालों को आप धुआं धुआं पानी पानी कर देंगे। 11th टर्म 1 में पास नहीं, खास होने के इरादा के अलावे भी यदि आप अपने भविष्य में या इस वर्ष NDA का एग्ज़ाम देने वाले हों, इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहते हो, मतलब JEE मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हो, नेवी में जाकर मतलब जल सेना में जाकर जल देश का सेवा करना चाहते हो, या आपके सपने उड़ान भर रहे हों एयरफोर्स में जाकर देश की सेवा करने का, तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है मैं एक यूट्यूबर नहीं, एक शिक्षक हूँ, इसलिए मैं वीडियो का व्यू ज़्यादा जाए इस पर ध्यान नहीं देता, आपका भविष्य का व्यू ज़्यादा जाए। व्यू मतलब आपको लोग देखें, बहुत लोग, ऐसा नहीं कि बहुत बच्चों को बस लाइफ में एक ही बार लोग देखने आते हैं शादी के समय, उसके बाद कोई देखने ही नहीं आता है, तो लाइफ भर आपका व्यू बढ़े, हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है। और उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा। कॉन्सेप्ट रहेगा राइट तभी रहोगे टाइट, डे हो या नाइट। तो आइए चलते हैं हम आज ट्रिगोनोमेट्री एंड कैलकुलस इन वन शॉट फॉर 11th टर्म 1 एग्जाम एंड NDA JEE मेंस नेवी एयरफोर्स आल्सो। इतना कॉन्सेप्ट अगर आप सही कर लोगे, और इतना कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपका US चौबे आपके सामने नमस्ते करते हैं आप तमाम लोगों के भविष्य का, क्योंकि भविष्य के इंजीनियर आप ही हो, शिक्षक आप ही हो, प्रधानमंत्री आप ही हो, मुख्यमंत्री आप ही हो, सब चीज़ आप ही हो। तो चलते हैं डियर, हम शुरुआत करते हैं ट्रिगोनोमेट्री से। देखो ट्रिगोनोमेट्री को जानने के लिए सबसे पहला चीज़ जो आपको जानना होगा, सबसे पहला शुरुआत होता है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। बारी बारी से हम शुरुआत करेंगे, ओके। एंगल एंड देयर मेजरमेंट में सबसे पहला डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, जान जाइए आप। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए याद रखना एक्स डिग्री इक्वल टू, समझा देते हैं कैसे बदलेंगे। जैसे होता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, तो एक्स डिग्री मतलब एक्स इंटू पाई बाई 180। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे यदि आप, तो कोई भी डिग्री आपका रेडियन में बदल जाएगा। अगर आप डिग्री से रेडियन में बदलना चाहते हैं तो उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर आप रेडियन से डिग्री में बदलना चाहते हैं तो उलट के गुना करना पड़ता है डियर, मतलब 180 बाई पाई से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका डिग्री में बदल जाता है। इसमें कुछ और बातें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक डिग्री कल तो 60 मिनट होता है, हाफ डिग्री कोई बोले आपको तो 30 मिनट होता है, ओके। 1/3 डिग्री कोई बोले यदि आपसे, तो ध्यान से देखो यहाँ पर, एक डिग्री में 60 मिनट है, इधर 1/2 किए तो इधर 60/2 किए, भाई 1/2 करोगे तो इधर 60/2 करोगे तो कट गया, 30 हो गया।
अब इधर 1/3 कर रहे हो तो इधर 60/3 कर दोगे तो 20 मिनट हो जाएगा डियर आपका, मतलब 20 मिनट को 1/3 डिग्री भी आप लिख सकते हो। अब देखो इस पर मैं एक एक, आप फार्मूला इसको नोट कर लेंगे, इस पर मैं एक दोनों पर एक एक क्वेश्चन दे देता हूँ, गौर से देखेंगे आप। अब जैसे आपसे कोई बोले कि बाबू 420 डिग्री, अब 420 से ही क्यों शुरू किए, क्योंकि बहुत बच्चे पढ़ाई लिखाई के मामले में 420 होते हैं, वो गार्जियन से बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ओके अब देखो, लेकिन गार्जियन पर नहीं डियर, ये भविष्य आपका है, ध्यान आपको देना है। 420 डिग्री को हमको रेडियन बदलना है, एकदम टेंशन मत लो। इफ़ यू वांट टू चेंज एनी डिग्री इनटू रेडियन देन यू शुड मस्ट मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो हम लोग पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 420 में मल्टीप्लाई करेंगे डियर पाई बाय 180 से, ये बदल गया हमारा रेडियन में, जो कटता है उसको काट दो, जैसे 0 0 कट जाएगा, और भी कटेगा, ये 6 से कट जाएगा डायरेक्ट, 6 3 18 एंड 6 7 42, नाउ दिस इज योर 7π/3 रेडियन, नाउ दिस इज योर आंसर। अब देखो यू आर डिग्री, एक तरह का सवाल और पूछता है, जैसे मान लो कोई बोले कि 6 degree 30 minute को बदलो, अब थोड़ी समस्या हो गई आपके सामने, तो क्या करेंगे, पूरा डिग्री में नहीं है ये, तो पहले पूरा डिग्री में बदलेंगे, तो देखेंगे कि 30 मिनट दर्द के पहले हम हमेशा देते हैं दवाई, ताकि सवाल बनाते समय बच्चों को नहीं दुखाई। देखो बहन और भाई, 30 डिग्री कितना है, हाफ 30 मिनट = ½ डिग्री, इसको लिख देंगे 6 ½ डिग्री, और इसको आप चेंज कर दोगे 6 2 12, 6 2 12 और 1 13/2, 13/2 डिग्री, अब इसको चेंज कर दो आप, तो 13/2 करोगे डियर, 13/2 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे, बस सारा रोगों की एक ही दवा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे। किसी भी डिग्री को यदि आप रेडियन में बदलना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें पाई बाई 180 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, काम आपका बन जाएगा। कटता है काटो, नहीं कटता है एकदम टेंशन मत लो, लगता है नहीं कटेगा जी, ये हमारा हो गया 13π/360 रेडियन, तो ये हो गया हमारा डियर डिग्री टू रेडियन। लेकिन अगर आपको रेडियन टू डिग्री बदलना हो, कोई टेंशन नहीं है, एक एग्जांपल ले लीजिए आप, मान लो यदि आप 5π/12 रेडियन दिया हुआ है, इसको आप डिग्री में बदलना चाहते हो। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस के सारे कॉन्सेप्ट और उस पर सारे MCQs जो इस वर्ष आने वाले हैं उस पर चर्चा करेंगे, और आप उसके बाद प्रॉब्लम का देखिएगा कैसे धुआं धुआं पानी पानी करते हैं, कर दोगे सवाल को पानी पानी, बदल जाएगी आपकी जिंदगानी। ओके अब बदल जाएगी आपकी लाइफ की कहानी। 5π/12 में मल्टीप्लाई कर देंगे डियर हम लोग 180/π से, और ये हो जाएगा हमारा रेडियन में डियर, डिग्री में सॉरी, पाई पाई कैंसिल हो गया, 12 से काट दो, 6 12 25 60 एंड नाव 15 25 75 डिग्री, नाव दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फर्स्ट टाइप 1 प्रॉब्लम। क्या मैंने बताया इसमें आपको कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलेंगे और रेडियन से डिग्री में कैसे बदलेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लें और नोट करें, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ट्रिगोनोमेट्री का देखो, कॉन्सेप्ट के बाद सवाल पढ़ने का मजा ही कुछ और है। जैसे दर्द के पहले अगर थोड़ा दवा मिल जाए और गर्मी के पहले थोड़ा हवा मिल जाए तो परेशानी नहीं होती है, इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है। सामान खरीदने जा रहे हो, आपके पॉकेट में पैसे नहीं है, तो पहले सामान के पहले पैसा, पहले पैसा, तो अगर क्वेश्चन एक सामान है तो कॉन्सेप्ट उसका पैसा है। ओके देखो ये सर्किल बोलते हैं इसको, अगर सर्किल का रेडियस आर हो, इसके आर्क का लेंथ एल हो, आर्क को हिंदी में चाप कहते हैं डियर, ये आर हो, लेंथ ऑफ आर्क हमारा एल हो, और ये एंगल थीटा हो, तो तीनों में एक रिलेशन होता है।
क्या होता है डियर, याद रखना, याद रखना ये ऑफलाइन क्लास नहीं है डियर, इसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाता है। आप समझने का प्रयास करेंगे, माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखेंगे, काम आपका हो जाएगा। 32 सालों का अनुभव है मेरा और हज़ारों नहीं लाखों नौजवान फ़ायदा उठाकर आज अपने ज़िंदगी में मुस्कुरा रहे हैं। मेरी कोशिश है कि आप हमसे दूर हैं लेकिन मजबूर न रहें, आप, आपको भी मेरा कुछ न कुछ मिले, हमारा आपके भविष्य निर्माण में मेरा भी कुछ सहयोग हो, चूँकि एक दिन सब कोई ऊपर जाता है, मैं भी चला जाऊँगा, लेकिन आपके लिए मैं कुछ करूँ। ओके, आप अपने लिए कुछ करो। थीटा इक्वल टू होता है डियर एल डिवाइडेड बाई आर, और ये जो रिजल्ट निकलता है रेडियन निकलता है। आप कह सकते हैं एंगल इक्वल टू थीटा, हमारा एंगल है, एल हमारा लेंथ ऑफ आर्क है, इसको बोलते हैं आर्क बाई आर, हमारा रेडियस है, दिस इज इन रेडियन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट टू का पहला फार्मूला। एंड दूसरा याद रखना डियर कि अगर दो सर्किल दिया हुआ हो, कभी कभी इस पर भी बहुत प्रॉब्लम आए हैं, हो सकता है इस बार 11th टर्मोन में या NDA में या एयरफोर्स में ये क्वेश्चन आए आपके लिए। अगर दो सर्किल हैं, जैसे दो बच्चे हैं, तो दोनों का हाथ की लंबाई अलग अलग होगा, दोनों सब चीज़ अलग अलग होगा ना, सब समान तो एक ही नहीं होगा, सबकी लंबाई अलग अलग होगी। मान लीजिए इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस आपका R2 है, इसके R का लेंथ L1 है, इसके R का लेंथ L2 है, इसके सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो थीटा 1 है, और इसका क्या है, तो थीटा 2। इसका अपना फार्मूला लगेगा, इसका अपना फार्मूला लगेगा। मान लो थीटा 1 इक्वल क्या होगा, थीटा होता है L/R, ये हो जाएगा हमारा L1/R1। तो L1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर L1 हो जाएगा R1 × θ1। अब क्यों बता रहे हैं इस, जब क्वेश्चन दवा क्यों दे रहे हैं, जब दर्द होगा तो पता चलेगा कितना अच्छा दवा है ये। इसमें निकालोगे तो θ2 इक्वल टू हो जाएगा डियर आपका L2/R2। तो L2 कितना हो जाएगा, R2 जाएगा उधर, तो L2 इक्वल टू हो जाएगा R2 × θ2। चलिए यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हुई। जैसे आप एक अलग बच्चे हैं, आपके बगल में ही एक कोई वीडियो देख रहा है, वो अलग बच्चा है, दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों की लंबाई अलग अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक है जिसके चलते आप दोनों देख रहे हैं। क्या एक है, क्लास एक है। तो अगर दोनों के ये लेंथ ऑफ आर्क सेम हो जाए, यानी अगर L1 इक्वल टू L2 हो जाए तो क्या होगा। तो L1 अगर L2 के बराबर है तो L1 का वैल्यू जो हमारा है R1 θ1, वह L2 के वैल्यू यानी R2 θ2 के बराबर। यहाँ लिखेगा, अगर लिखेगा कि इफ़ लेंथ ऑफ आर्क्स आर सेम, अगर चाप की लंबाई बराबर हो तो क्या होगा, तो R1 θ1 = R2 θ2 हो जाएगा। एक ही फार्मूला आप याद रख सकते हैं, या हम याद रख सकते हैं कि R1/R2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो R1/R2 = हो जाएगा डियर θ2/θ1। यानी कि अगर कहेगा किसी भी क्वेश्चन में कि दो सर्किल है, दोनों के रेडियस अलग अलग हैं, एंगल अलग अलग हैं, लेकिन अगर दोनों के लेंथ ऑफ आर्क सेम हैं तो उनके रेडियस का रेशियो निकालिए, तो θ2/θ1 आप याद रखेंगे। ओके, इन दो कॉन्सेप्टों के सहारे कुछ क्वेश्चन हैं प्यारे, आइए देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इसको नोट करें। आफ्टर दैट वी स्टार्ट सम इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ये रहा प्रॉब्लम आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है, जरा गौर से देखेंगे आप, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ट ये प्रॉब्लम है आपका। याद रखना, आप ये प्रॉब्लम नहीं बना रहे हो डियर, अपने भविष्य बना रहे हो, तो भविष्य बना रहे हो। जैसे बाल बनाते हो ना, तो कितना शांति से बैठते हो ठाकुर के पास, जबकि बाल महीना में दो बार बढ़ जाता है, एक बार तो बढ़ ही जाता है, जो एक महीना में बढ़ने घटने वाला है उसको इतना सावधानी से बनाते हो, तो भविष्य एक बार बनाया जाता है। गौर से देखना आप, क्वेश्चन कर रहा है डियर कि इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्किल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, देन द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड इज, तो उस जीवा का के द्वारा जो माइनर आर्क जो चाप कट रहा है उसकी लंबाई कितनी होगी, इतनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, जरा गौर से देखेंगे आप। आइए पहले फोटो पसंद कीजिए, बात हम आगे बढ़ाएंगे। एक ये सर्किल है आपका,
इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 सेंटीमीटर है आपका, रेडियस कितना होगा 20 सेंटीमीटर, डायमीटर आपका 40 सेंटीमीटर है मतलब व्यास आपके 40 सेंटीमीटर के हैं, तो त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, तो आर हो जाएगा आपका डी बाई टू, मतलब 40 बाई टू मीन्स 20 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस जो है आपका, गौर से देखेंगे अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस जो आपका है, ये रेडियस आपका 20 सेंटीमीटर का है। आगे क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20, जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर की है, मान लीजिए जीवा है आपका ये, ये इसकी लंबाई निकालना है, मतलब इसकी लंबाई क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया एल बोलते हैं, चाप की लंबाई को एल बोलते हैं, आपको एल निकालना है, एल निकालना है आपको, आर मालूम है सिर्फ। फॉर्मूला हमारे पास होता है डियर थीटा इक्वल टू एल बाई आर, एल निकालना है तो एल इक्वल टू हमारा हो जाएगा आर इंटू थीटा, मतलब एल को निकालने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक आर और एक थीटा, एक समान है आपके पास और एक के बिना बैठे हैं आप उदास, आइए ना मेरे पास, बन जाओगे खास, हो जाओगे अच्छे से पास, करो ना विश्वास। अब कैसे निकालेंगे थीटा, तो इस फिगर को देखने से ये साफ नज़र आ रहा है कि हमारा ये एक त्रिभुज बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है और उसके सभी साइड के लेंथ इक्वल है, देखो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, जब किसी त्रिभुज में किसी ट्रायंगल में तीनों साइड मतलब तीनों भुजा जब बराबर होते हैं तो वह एक समबाहु त्रिभुज होता है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है डियर। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में सिर्फ साइड ही इक्वल नहीं होते हैं, उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, तो तीनों का सम 180 होता है, मतलब तीनों का योगफल 180 होता है, जैसे तीन बच्चे मिलकर 180 रोटी खाते हैं और तीनों बराबर बराबर खाते हैं, मतलब तीनों 60-60 ही खाते होंगे, तो देखो ये जिस चीज़ के बिना बैठे थे उदास वही सामान आ गया अब आपके पास। देखो अब थीटा हमारा हो गया कितना जी, तो लिख देना नाम दे देना जी, ए और बी दे देना, सिंस ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, सिंस ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ओ बी, इसलिए ट्रेंगल इज इक्विलैटरल, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हमको तो रेडियन में चाहिए डियर, क्योंकि थीटा इक्वल टू एल बाई आर जो फार्मूला होता है वो थीटा हमारा रेडियन में होता है, तो काहे को दिक्कत है। अभी तो मैंने बताया कि इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट एनी डिग्री इनटू रेडियन देन यू हैव टू मल्टीप्लाई कितना, पाई बाई 180, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 63 जा 180 नाउ पाई बाई 3, थीटा भी आपके पास और आर भी आपके पास दोनों समान हो गया आपके पास, तो मत बैठो उदास, आओ मेरे पास, आर आपका है डियर कितना 20 एंड थीटा इज योर पाई बाई 3 एंड नाउ दिस इज योर 20 पाई डिवाइडेड बाई 3 जो भी होगा सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर एंड 20 पाई बाई 3 इज योर करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है आप इसे समझे होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट कॉपी पर वीडियो रोक करके लिख लीजिए डियर, इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके भविष्य निर्माण के लिए देता हूँ, कृपया आप इसे नोट करें। नाउ डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन कर रहा है कि इफ इन टू सर्किल्स, दो सर्किल्स हो गए, ध्यान दीजिएगा सर्किल कितने हो गए जी, तो दो हो गए, इफ इन टू सर्किल्स आर्क नहीं है, आर्क जैसे बॉय नहीं है बॉयज है, बॉयज मतलब एक से ज़्यादा बच्चे हो गए, तो दो सर्किल दो आर्क्स होंगे, दो चापें होंगी, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ मैंने चाप की लंबाई बराबर दिया हुआ है, याद रखना अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बताए हैं हम आपको कि चाप की लंबाई बराबर होगी तो क्या होगी, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, मतलब पहला एंगल 60 डिग्री है और दूसरा एंगल 75 डिग्री है, कह रहा है कि एट द सेंटर देन द रेशियो ऑफ द रेडियस के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, एकदम टेंशन मत लेना, लेने के लिए दुनिया में बहुत चीज़ें डियर आप ले सकते हो, पहला एंगल दिया हुआ है थीटा वन, दूसरा एंगल भी दिया हुआ है थीटा टू, देखो मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है लेकिन सामने स्मार्ट बच्चे हैं ओके, और याद रखना आपके घर की गरीबी और कोई नहीं मिटा सकता है, आपको ब्रिलियंट स्टूडेंट और कोई नहीं बना सकता है, आपको बड़ा आदमी और कोई नहीं बना सकता है, आपको ऑफिसर और कोई नहीं बना सकता है, एक ही इंसान बना सकता है
वो कौन है आप जानना चाहोगे तो आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाना, और जिसको उसमें देखोगे समझो वही इंसान आपको बड़ा बना सकता है, और वो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप हो। आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है, आप मेहनत करें। थीटामन दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, 60 डिग्री है डियर, और थीटा टू हमारे पास कितना है जी, तो 75 डिग्री। आपको निकालना है R1 ratio R2 का मान क्या होगा। हम जानते हैं, मैंने भी बताया है, आप देख सकते हैं R1 by R2 = होता है θ2 / θ1, और θ2 हमारे पास 75 डिग्री है जी, ये 60 डिग्री है। चाहे तो आप रेडियन में बदल सकते हैं, डिग्री में भी सेम आंसर आएगा, 15 × 75 = 60, 5/4, R1 by R2 5/4, या R1 ratio R2 = 5/4, यानी सी इज योर करेक्ट आंसर। कैसा लगा सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप कि कैसा लगता है, ताकि हम में अगर कुछ कमी हो तो हम उसको दूर कर सकें। अगर समझ में आता हो तो भी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में पहली बार है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इसको नोट करें डियर, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट एंड द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट, प्लीज नोट दिस। नाउ डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ट है ये, क्वाड्रेंट है। अब देखो क्वाड्रेंट को तो ऐसे ऑफलाइन क्लास में लगभग 5 क्लास लिया जाता है तो क्वाड्रेंट क्लियर होता है, फिर भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखो क्वाड्रेंट को हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं डियर। एक्स इतना तो जानते होंगे आप 10th तक, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, ये पूरा प्लेन, चूँकि हमारा ये दो लाइन को करने ड्रा करने से 4 भागों में बढ़ जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ओके, हमारा प्रयास होगा कि कम समय में कुछ समझाया जा सके आपको। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, QUAD मतलब समझ जाना आप लोग, क्वाड्रेंट लिखा हुआ है डियर। इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट एंड इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, एंगल का मेजरमेंट यहाँ से शुरू होता है डियर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी देखते हो ना, घड़ी देखे हो आप, यहाँ 12 बजता है। बहुत बच्चे घड़ी लेते ही नहीं है कि तिलक में तो घड़ी मिलेगा ही, इसलिए लेने क्या ज़रूरत है, लेकिन लेके देख लेना किसी से। घड़ी चलता है इस दिशा में ऐसे, 12 1 2 3 6 9 12, इसको बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जस्ट इसके उल्टा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करोगे तो प्लस होता है, और इस डायरेक्शन में करोगे तो माइनस होता है। अगर माइनस थीटा कोई बोल रहा है सब समझो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और प्लस थीटा बोल रहा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जहाँ से मेजरमेंट शुरुआत करते हैं डियर वो जीरो होता है। जैसे मान लीजिए आपकी लंबाई अगर 5 फीट है तो कहीं ना कहीं जीरो होगा, ऊपर से जीरो होगा कि नीचे, तो नीचे जीरो, 1 2 3 4, तो यहाँ से जीरो होता है, ये 90 होता है। अब 0 to 90 को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं डियर, 90 to 180 को सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, 180 to 270 को थर्ड क्वाड्रेंट, 270 to 360 को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। 9 का पहाड़ा पढ़ सकते हो, 9 का टेबल, 9 2 = 18, 3 = 27, 4 = 360, 9 2 = 18, 9 3 = 27, 9 4 = 36, इससे आगे भी बढ़ जाता है, 360 से ज़्यादा होगा तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 9 5 = 45। ओके, इस पर एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा क्वाड्रेंट पर, आज तो एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना जरूरी है, जितना से आप क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम में, आज मैं उतना ही बता रहा हूँ डियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल मीन्स साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, 6 होते हैं, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का टेन का उल्टा कॉट होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और उसका फैमिली कौन होता है जी, तो कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, और अब क्यों होता है ये मैं ये वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा डियर, हम एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से चल रहे हैं। ओके, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, तो सेक पॉजिटिव होता है। ओके, अब देखो इसको थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कोई पूछे आपसे कि कॉस 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, अभी सिर्फ बताना है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। सबसे पहले देखेंगे कि 135 डिग्री कहाँ है, तो 90 से बड़ा है, 90 और 180 के बीच में ही है, तो
इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और कॉस पूछ रहा है तो श्योर है निगेटिव होगा। ओके, फिर मान लो कोई बोले कि 10 to 78 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो 278 चूँकि 270 से ज़्यादा है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है इसलिए भी निगेटिव होगा। फिर कोई पूछेगा मान लो कि कॉसेक 168 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक 168 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कॉसेक किसका फैमिली है, साइन का फैमिली है और 168 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये हुआ क्वाड्रेंट और उसका कुछ आइडिया, इसमें मैं ट्रिक्स भी याद करने का, ऐड शुगर टू कॉफ़ी या ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी। ओके, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी या कुछ भोजपुरी में याद करने वाले हैं तो भोजपुरी प्रेमी सज्जनों याद रखना, आना शाम तक कॉलेज में, एक दोस्त अपने दोस्त से कह रहा है ठीक है कि आना शाम तक कॉलेज में, चूँकि दिन में बहुत भीड़ होती है, आना शाम तक कॉलेज में लेकिन बात न जाए गार्जियन के नॉलेज में, क्योंकि गार्जियन जान जाएंगे इसकी शाम को जा रहा है कॉलेज तो ठोकाई होने लगेगी। अभी क्या है देख लेना, आना शाम तक कॉलेज में, अब बात न जाए गार्जियन के नॉलेज में याद रख लेना आप लोग, आना का ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, शाम का एस मीन्स साइन पॉजिटिव, तक का टी मीन्स टैन पॉजिटिव और कॉलेज का सी मतलब कॉस पॉजिटिव। ओके, तो आप इसको नोट करें, इस पर हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को बताने वाले हैं। ओके, लेकिन कभी भी प्रश्न उठता है कि सर 90 किस में है, तो 90 ना फर्स्ट में है ना सेकंड में है, 90 ये ठीक रहे हैं डियर, मतलब कि इस पर प्रॉब्लम जरूर आएगा। अब बताओ इधर आपका खेत है, इधर आपके गोतिया खेत है, तो ये आरी किसका है, किसी का नहीं है, तुम काट दोगे तो वो लड़ाई करेगा, वो काटोगे तुम भी लड़ाई करने लगोगे, तो 90 ना फर्स्ट में है ना सेकंड में, ये वाई एक्सिस पे है, 180 ना सेकंड में है ना थर्ड में, ये एक्स डैश एक्सिस पे है या एक्स पे है, 270 डिग्री भी वाई एक्सिस पे है और 360 डिग्री भी किस पे है, तो एक्स पे है। ओके, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होता है। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस पर भी वीडियो बनाया हुआ या एक मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा, वैसे मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। साइन 360 डिग्री का, किसी भी 360 डिग्री का वैल्यू वही होता है जो जीरो का होगा। जैसे मान लो कोई पूछे आपसे साइन 360 डिग्री, तो आप बस याद रखो कि साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, तो साइन जीरो का वैल्यू तो याद ही होगा यार, 10th क्लास में इतना तो जानते होगे आप लोग। फिर कोई पूछे कॉस 360 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस जीरो के बराबर, चूँकि 360 वही है जहाँ जीरो है। जैसे गुप्ता जी के परिवार में जो जन्म लेगा उनमें गुप्ता जी लगेगा, चाहे कैमो पुसुत हो। ओके, वन होता है, और टेन 360 डिग्री का वैल्यू पूछे तो ये टेन जीरो होता है, ये जीरो होता है। उसी प्रकार से 180 है, 180 का वैल्यू जीरो वाला लाइन पर ही है लेकिन ये पॉजिटिव होता है तो उधर निगेटिव होता है। यानी कि कोई पूछे यदि आपसे कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो उसका भी वैल्यू वही होगा जो साइन जीरो का होता है लेकिन माइनस लगेगा। जीरो वाले लाइन पर ही 180 है लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और निगेटिव डायरेक्शन में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये माइनस जीरो मतलब जीरो होता है। फिर कोई पूछे कोई कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस कॉस जीरो होगा यानी माइनस वन होगा, और टेन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो माइनस टेन जीरो मतलब माइनस जीरो मतलब जीरो होगा। 270 डिग्री का वही बात होता है, जैसे 450 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो 90 का जितना होगा उतना ही 450 का भी वैल्यू होगा। यानी आपसे कोई बोले कि साइन 450 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 90 के बराबर होगा, चूँकि 90 जहाँ है दुबे जी के घर में अगर जन्म लिया है, नाती पर नाती लड़का हो तो उसमें दुबे जी का टाइटल लगेगा। ओके, तो साइन 90 इक्वल टू वन। कॉस 450 कोई पूछे तो कॉस 90 मीन्स जीरो, एंड टेन 450 कोई पूछे आपसे तो टेन 90 डिग्री मीन्स इन्फिनिटिव होता है। ओके, ये सभी वीडियो सिर्फ 11th टर्म होने के एग्जाम के लिए ही नहीं, उसके लिए तो खास है ही है, बाकी 12th में भी जाना चाहते हैं उसके लिए भी खास है, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो क्योंकि इंटीग्रेशन में या और टॉपिक में बहुत ज़रूरत पड़ता है सभी वैल्यूज का, क्वाड्रेंट का और एनडीए वगैरह के। अब 270 डिग्री का पूछेगा, 270 भी 90 के लाइन में ही है, तो ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, क्योंकि वाई ऊपर पॉजिटिव होता है तो निगेटिव होता है। यानी कि अगर साइन 270 डिग्री पूछे आपसे तो उसका वैल्यू भी 90 के बराबर ही होगा लेकिन माइनस लगेगा, माइनस साइन 90 मीन्स माइनस वन। अगर कॉस पूछे आपसे कॉस 270 डिग्री, उसका वैल्यू माइनस कॉस 90 के बराबर होगा मतलब माइनस जीरो मीन्स जीरो, और टेन 270 डिग्री कोई पूछे डियर तो माइनस टेन 90 यानी माइनस इन्फिनिटी होता है। तो इस वीडियो इस मतलब
पेज में मैंने बहुत अच्छा कुछ समझाने का प्रयास किया है, आप इसको नोट करें, इसको बार बार देखें, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट। प्लीज आप इसको स्क्रीनशॉट लें डियर और ध्यान से पढ़िएगा, आंख से नहीं। नाउ डियर वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वेश्चन है आपके सामने कि साइन एक्स इक्वल टू 3/5 वेयर एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन को आसानी से समझना चाहिए, आराम से समझना चाहिए। क्वेश्चन जब तक आप समझेंगे नहीं, जवाब नहीं दे पाएंगे आप। कह रहा है कि इफ साइन एक्स इक्वल टू 3/5 एंड एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। रफ फिगर बना लीजिए, चूंकि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, माइंड में बना लीजिएगा। इसमें है आपका एक्स, सेकेंड में है, श्योर है कि सेकेंड में है, एक्स है तो ये साइन का घर होता है या तो कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव है। कह रहा है कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा, श्योर है कॉस एक्स पूछ रहा है, इसमें मतलब माइनस होगा पक्का, तो माइनस होगा तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो ऑटोमेटिक एक ही बचा, लेकिन वैल्यू निकालेंगे कैसे। ओके, साइन एक्स 3/5 है, आप जानते हैं साइन एक्स का वैल्यू होता है पी बाई एच, पी आपका 3 हो गया, एच आपका 5 हो गया, बी निकाल दो आप, फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 हो गया 16 का 4। इसलिए कॉस एक्स पूछा है डियर हमसे, तो कॉस एक्स का वैल्यू हो जाएगा, आप जानते हैं होता है बी बाई एच, लेकिन इसमें माइनस लगेगा। क्यों लगेगा माइनस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है। ये आपका हो गया 4 और एच आपका हो गया 5, 4/5 सी इज योर करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और एक प्रॉब्लम लगे हाथ हो इसमें मैं बता देता हूँ, मुझे उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं हम लोग डियर अगला क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए यहीं पर क्वेश्चन बदल देते हैं हम आपका। अगर कहे कॉट एक्स इक्वल टू 3/4 है, ओके, एंड ये अब सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं, यहाँ बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, और आपसे अब कॉस एक्स नहीं पूछ रहा है, साइन एक्स पूछ रहा है, एकदम टेंशन मत लीजिए। ऑप्शन बदल दिया है, मान लीजिए ऑप्शन कुछ कुछ कर दिया है, यहाँ पर 5/4 की जगह पर मान लीजिए -3/4 कर दिया, यहाँ पर कुछ और कर दिया 1/2 कर दिया, कुछ भी कर दिया। अब देखिए ये कैसे क्वेश्चन बनेगा हम लोगों का, एकदम टेंशन मत लीजिए। मैं बोला हूँ लेने के लिए दुनिया में बहुत चीज़ें हैं, आप ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, लाइफ में बहुत ऐसा आपके साथ अपॉर्चुनिटी आएगा आपके पास, तो बहुत शुभ समय आएगा जो बहुत चीज़ लेने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। अब देखिए पढ़ लिख लिख जाओगे दुनिया में सब चीज़ महंगी भी सस्ती लगने लगेगी, यार कुछ भी ले सकते हो। आओ देखो कॉटेक्स हमारा 3/4 है और थर्ड क्वाड्रेंट में है, फिगर बनाइए। एक हमारा फर्स्ट सेकेंड नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसमें या तो टैन पॉजिटिव होता है या तो कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए टैन हमारा कॉट पॉजिटिव में है। अब कॉट होता क्या है, तो टैन होता है पी बाई बी, कॉट होता है बी बाई पी, बी बाई पी, बी आपका हो गया 3 एंड पी कितना हो गया जी तो 4। एच निकाल दो आप, टेंथ का फॉर्मूला कुछ याद रखने होंगे, पी इक्वल एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सब नहीं रहेगा आपके पास, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। एच इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 4 4 16 9 25 का 5 हो गया। अब तो तीनों समान हो गए आपके पास, बेकार बैठे हैं उदास, मस्त देखो आस पास, आओ ना मेरे पास। आपको निकालना है साइन, सियोर है साइन निकालोगे डियर तो माइनस में होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस में होता है, तो साइन हो सकता है पी बाई एच, माइनस लगा दो पी बाई एच, पी कितना हो गया आपका 4, अब एच कितना हो गया 5, माइनस 4/5 सी इसका भी करेक्ट आंसर हो गया, तो मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे। इसके बाद बहुत अच्छे चुलबुले क्वेश्चंस दे रहे हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं, हैरान करते हैं, लेकिन कैसा दर्द जब सामने हो ऐसा मर्द। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले डियर एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम वेरी वेरी। नाउ डियर जो दिमाग में नशा चढ़ा दे नहीं नशा उतार दे, कमजोर विद्यार्थियों का, लेकिन आप कमजोर नहीं रहेंगे ये मेरा वादा है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे साइन -11π/3 ईच। अब देखो इसके लिए अगर ये दर्द है तो एक दवा याद रखना होगा, आपको एक दवा खा लेना होगा। आइए देते हैं हम थोड़ा सा डीकेडी। अब कहोगे सर डीकेडी क्या है, ये दर्द की दवा है। तीन फॉर्मूला पहले याद रखेंगे, साइन -थीटा क्या होता है,
कॉस माइनस थीटा क्या होता है और टेन माइनस थीटा क्या होता है, याद रखना ये माइनस साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, माइनस टेन। अब बहुत बच्चे को यहाँ समस्या हो जाएगा कि सर ऊपर और नीचे वाला में तो डंडा लगा लेकिन बीच में डंडा नहीं लगा, अब बीच में ही लग जाए तो क्या होगा, अब बीच में क्यों नहीं लगा। अब देखो आप ही को मैंने आपको बताया था डियर, सब चीज़ कॉन्सेप्ट में ही है, कॉन्सेप्टवा रहेगा राइट तभी ना रहोगे टाइट डे हो या नाइट, तो कॉन्सेप्टवे को करो ना टाइट। ओके, इधर जाते हो प्लस थीटा होता है डियर, इधर जाते हो माइनस थीटा होता है, मतलब माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में गया। अब माइनस थीटा यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो फोर्थ में या तो कॉस पॉजिटिव होगा या तो सेक पॉजिटिव होगा, इसलिए कॉस पॉजिटिव हुआ है, बाकी सब माइनस में हुआ है। ओके, तो आइए चलते हैं हम लोग बनाते हैं। देखो डियर ये वन शॉट वीडियो है तो इसमें कुछ थोड़ा रफ्तार में चला जाता है, ऑफलाइन क्लास का मज़ा नहीं मिल पाएगा, और ऑफलाइन क्लास का मज़ा इस कोरोना में बच्चे नहीं ले पाए हैं, लेकिन अब 11th शुरुआत हो रहा है उसमें आप ऑफलाइन क्लास का मज़ा ले सकते हैं। अब देखिएगा साइन माइनस थीटा, साइन माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन 11 पाई डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड करो, तो ऐसे ध्यान रखना रिमाइंडर जो है 1 बचना चाहिए, अगर 1 से ज़्यादा बच रहा है तो एक बढ़ा करके डिवाइड कर देते हैं। इसको आप लिख सकते हैं साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3, देख लो आप सोल्व कर लो जी, सोल्व करो इसको, एलसीएम लेकर के कितना आता है, प्राइवेट में आ जाओ थोड़ा इधर, 3 एलसीएम लोगे तो चरती यही 12 पाई माइनस पाई, 11 पाई बाई 3 आया कि नहीं आया, आया या नहीं आया, आया। अब देखो एक फॉर्मूला होता है साइन 2n पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, चूंकि इवन पाई यहाँ होता है 0 2 पाई 4 पाई, इसमें से कुछ घट जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, अब फोर्थ साइन का नहीं कॉस का घर होता है इसलिए माइनस होगा। आप सिंपल याद रख लेना साइन कोई भी इवन पाई हो, ई मतलब इवन है यहाँ पर, इवन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डियर, साइन थीटा मीन्स पाई बाई 3, और पाई बाई 3 मतलब पाई मीन्स 180 बाई 3 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू होता है रूट 3 बाई 2, दिस मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, अब इसको देखो है कॉस 765 डिग्री, सबसे पहला काम करो इसको रेडियन में बदल दो आप, तो कॉस 765 है डियर, इसको रेडियन में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाई 180 से, काटो देखो 15 से कटेगा क्या, 15 25 75, 15 से कट जाएगा, 15 25 75, 1 15 15 1 15, फिर 15 से कटेगा, 15 से 15 15 1 15, 3 30 15 2 30 12, फिर कटेगा कितना से कटेगा बताओ, 3 से कटेगा, 3 4 12 एंड 17 3 51, ये आपका हो गया डियर कॉस 17 पाई डिवाइड बाई 4, डिवाइड कर दो 4 4 16, अब 1 17, इसमें एक ही शेष बच रहा है इसलिए इसमें ठीक है, कॉस 4 पाई प्लस पाई बाई 4, 4 4 16 1 17, अब 4 पाई इवन पाई यहाँ होता है, इवन पाई में कुछ ऐड हुआ है तो ऊपर जाएगा, यानी कि कॉस थीटा कॉस पाई बाई 4 कॉस 45 डिग्री हुआ, ये 1/√2 होता है डियर, यानी 1/√2 ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके आ सकते हैं एग्जाम में, आते ही हैं। ओके, ये आप सवाल नहीं बना रहे हैं डियर, अपना भविष्य बना रहे हैं, कृपया इसको नोट करें, इसके बाद और भी बहुत फंटास्टिक फंटास्टिक प्रॉब्लम आपके सामने देने वाले हैं, प्लीज नोट दिस। अब तो एक गाना याद आ रहा है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। ओके, तो इनसे बिना मुलाकात किए यदि आप चाहेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री की नैया आपकी पार हो जाए और आपको मैथ से प्यार हो जाए तो असंभव है डियर, चाहे कैलकुलस पढ़ो तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ो तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेट पढ़ो तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, वेक्टर पढ़ो तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो देखिए फार्मूला है, याद रखेंगे आप इन तमाम फार्मूलाओं को, इस पर बेस्ट कुछ प्रॉब्लम हम देंगे आपको, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, दोनों सेम होता है, बस प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, कॉस में देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस होता है। ओके, टेन ए प्लस बी तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, माइनस तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, एंड टेन ए माइनस बी जो टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी टू कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी टू कॉस ए कॉस बी, एंड कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस टू साइन ए साइन बी, साइन सी प्लस, ये देखे सतत अभ्यास की चीज़ें हैं, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे, नो फेशियल नो क्रीम नो पाउडर नो काजल
मैक्स है स्टूडेंट परफेक्ट, मान ली प्रैक्टिस मैक्स है स्टूडेंट परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब भी हैंड प्रैक्टिस नहीं माइंड प्रैक्टिस, यानी कि हाथ से लिख रहे हैं और दिमाग कहीं और है, तो समझ में नहीं आएगा डियर आप लोग को। ओके, आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड माइंड प्रैक्टिस करें। ओके, साइन सी प्लस साइन डी ये होता है आपका, साइन सी माइनस साइन डी ये होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी ये होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी ये होता है। तो आप इसको नोट करें, और भी फार्मूला हम दे रहे हैं आपको, बहुत सारा फार्मूला देंगे, और फिर उस पर बेस्ट हम प्रॉब्लम बताएंगे। मुझे उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट कुछ और टाइगर टाइप फार्मूला पर। टाइगर टाइप देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट याद रखना डियर साइन टू ए, देखिए साइन टू ए क्या होता है। साइन टू ए का दो फार्मूला होता है डियर, पहला टू साइन ए इंटू कॉस ए, एंड अगला होता है टू टेन ए डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए। घोल कर पी जाना, अभी नहीं कि इसको पेज में लिखना और उसको शरबत बनाकर पी जाना, इसको इसमें डाल देना ऊपर वाले में, सबसे ऊपर में ही ऊपर वाले ने ऐसा चीज़ दिया है जिसको जिस पर ध्यान देकर आप सबसे ऊपर में बाल नहीं, बाल के नीचे वाला सामान, ये दिमाग पर ध्यान दीजिए आप लोग। कॉस टू ए होता है डियर, चार फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, एंड लास्ट होता है डियर इसका वन माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए। एंड टेन टू ए का फार्मूला होता है टू टेन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ओके, कुछ और याद रखिएगा, वन प्लस कॉस टू ए का होता है डियर टू कॉस स्क्वायर ए, एंड वन माइनस कॉस टू ए का होता है टू साइन स्क्वायर ए। ओके, इसके बाद और भी फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है आपको। साइन टू ए है तो यहाँ ए और ए है, अगर यहाँ साइन ए हो जाएगा तो यहाँ ए बाई टू, और जैसे दो रुपया लगाओ तो एक एक रुपया पाओ, तो एक रुपया लगाओ तो आठ आठ आना पाओ, मैंने आधा आधा रुपया पाओ। तो सेम फार्मूला, इससे एक और फार्मूला बनता है डियर, साइन ए इक्वल टू होता है टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू इक्वल टू टू टेन ए बाई टू डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। अब समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं, टू ए के जगह पर ए लिखने वाले हैं, जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए बाई टू लिखने वाले हैं। तो इससे भी एक फार्मूला बनता है डियर, कॉस ए इज योर कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, एंड नाउ दिस इज योर वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। एंड टेन ए होता है टू टेन ए बाई टू डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू, यहाँ वन प्लस कॉस टू ए है तो टू कॉस स्क्वायर ए है, टू ए की जगह पर अगर ए कर देंगे यहाँ पर हम वन प्लस कॉस ए कर देंगे तो इधर ए बाई टू हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू हो जाएगा, और वन माइनस कॉस ए कर देंगे तो टू साइन स्क्वायर ए बाई टू हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, आप इसको नोट करें, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड आग लगा देने वाला प्रॉब्लम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मुझे उम्मीद है। आइए चलते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भैया बता दो, थोड़ा गौर से देखे ना, कहेगा क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज क्या होगा। ओके, अब इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं हम, निकालने बता दे रहे हैं, अगर कहोगे तो ऑप्शन भी दे देंगे। ए 1 बाई टू, बी रूट 3 बाई टू, सी 0 एंड डी 1। अब या तो 15 डिग्री का वैल्यू रखें, याद रख लेना साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है डियर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू होता है
रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू। अब इसको वैल्यू को रख कर यदि बनाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कैसे करें? कोई ना कोई तो दिमाग लगाने पड़ेंगे जी। देखो अभी पढ़े हैं हम कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है कॉस टू ए, उल्टा लिखे थे हम, पहले कॉस टू ए लिखे थे, कॉस टू एकल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस टू ए हो जाएगा। देखो ऐसे में चीज़ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस टू ए मीन्स टू इंटू 15 डिग्री मीन्स कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान रूट 3 बाई 2 होता है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और आपके लिए, द वैल्यू ऑफ टू टेन साढ़े सात डिग्री डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर साढ़े सात डिग्री इच। अब साढ़े सात डिग्री, पढ़े लिखे में साढ़े बाईस, पढ़े लिखे में साढ़े सात, पता ही नहीं है कैसे करें। अब हम आइए बताते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। तो एक फार्मूला अभी पढ़े आप कि टू टेन ए डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है टेन टू ए। ऑप्शन दे देगा, बहुत ऑप्शन दे सकता है, ए दे सकता है वन, बी दे सकता है आपको रूट थ्री प्लस वन डिवाइड बाई रूट थ्री माइनस वन, सी दे सकता है आपको रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन एंड डी नन। अब कैसे बनाएंगे हम? देखो ये फार्मूला मैंने बताया अभी आपको, टू टेन ए डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है टेन टू ए। टेन टू ए मीन्स टेन टू इंटू साढ़े सात डिग्री, और साढ़े सात दुना पंद्रह होता है डियर, टेन पंद्रह डिग्री इक्वल टू साइन पंद्रह डिग्री डिवाइड बाई कॉस पंद्रह डिग्री, और साइन पंद्रह का वैल्यू जानते हैं आप होता है रूट थ्री माइनस वन डिवाइड बाई टू रूट टू, एंड ये होता है आपका रूट थ्री प्लस वन डिवाइड बाई टू रूट टू। नाउ दिस कैंसिल, नाउ दिस इज योर रूट थ्री माइनस वन डिवाइड बाई रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो देख रहे हैं कि ये सभी यदि औजार आपके पास है, औजार मतलब वीपेंस, फार्मूला इज द वीपेंस ऑफ द मैथमेटिक्स बाई विच यू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। तो फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है, आप इसको नोट करें, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रॉब्लम हम बताने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं डियर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब जरा प्रॉब्लम देखना, एक प्रॉब्लम आपसे पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री डिवाइड। देखो मैं ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बता रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव बताने का ट्रिक नहीं है, बताने का ट्रिक नहीं है डियर। ये सब कॉस 9 प्लस साइन 9 डिवाइड बाई कॉस 9 माइनस साइन 9 इच। पहला 10 47 डिग्री, दूसरा 10 54 डिग्री, तीसरा 10 9 डिग्री एंड चौथा नन। अब इसका कौन होगा? तो एक ट्रिक याद रख लेना आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब ये ट्रिक तभी लगेगा जब दोनों यहाँ सब सेम हो, 9 9 9 9 प्लस माइनस। अगर ऊपर माइनस हो जाए तो क्या होगा, वो भी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, याद रख लेना। कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए रहे तो ये होता है 10 45 डिग्री प्लस ए। अगर कहीं ऊपर में माइनस हो जाए, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए तो ये होता है 10 45 डिग्री माइनस ए। ओके, देखो ये हो गया कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए, तो ये हो जाएगा आपको 10 45 प्लस 9 इक्वल टू 10 54 डिग्री। इस मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम को और भी बनाते रहेंगे आप, जितने भी फार्मूला हैं सबको याद रखेंगे आप। फार्मूला अगर याद रहेगा, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तो कैसा भी क्वेश्चन उस पर बेस्ट बन जाएगा आपसे। इसके बाद हम बताते हैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर भी क्वेश्चन इस बार आने वाला है। कृपया आप इसको नोट करें, आफ्टर दैट वी स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। नाउ डियर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ये रूल्स याद रखेंगे आप ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन में दो तरह के प्रॉब्लम आता है, एक जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो मैं ये जनरल सॉल्यूशन का रूल्स लिखा हूँ, इसके बाद मैं जस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन के लिए मैं अभी फार्मूला दे रहा हूँ, इसके जस्ट बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन पर मैं प्रॉब्लम दूंगा और उसको फार्मूला दूंगा। पहला याद रखना, साइन थीटा इक्वल टू जीरो देन थीटा इक्वल टू एन पाई, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो देन थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, टेन थीटा इक्वल टू जीरो देन थीटा इक्वल टू एन पाई, एन कोई भी नंबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके इंटीजर है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन टू अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा देन थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा देन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, ओके। आइए देखते हैं, हम एक क्वेश्चन कहेगा आपसे, जनरल सॉल्यूशन पूछेगा आपसे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस फोर एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स आप निकालिए, ऑप्शन देगा कुछ, हम वैल्यू निकालने बता देते हैं। तो इसको सॉल्व करना है, जैसे आप टेंथ में इक्वेशन सॉल्व करते थे उसमें एक्स का वैल्यू निकालते थे, तो इसमें भी आपको एक्स का वैल्यू ही निकालना है डियर, और कुछ नहीं करना है, ओके। तो कैसे एक्स का वैल्यू निकालेंगे, कैसे एक्स का वैल्यू निकालेंगे ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं, हम लोग इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा कॉस फोर एक्स माइनस कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो। एक फार्मूला मैं अभी दिया हूँ आपको, याद रखना फार्मूला के बिना कुछ भी नहीं संभव है। एक फार्मूला मैं दिया था कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू होता है डियर माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई टू, ये हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस टू साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई टू इक्वल टू जीरो। माइनस टू इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, जीरो बाई माइनस टू हो जाएगा, ओके। देखिए आप माइनस टू नीचे हो जाएगा डियर, तो हो जाएगा साइन फोर एक्स प्लस टू एक्स सिक्स एक्स बाई टू मंस थ्री एक्स। देख लो आप, चार और दो छः बटे दो करोगे तो छः बटे दो करोगे तो तीन हो जाएगा, और यहाँ करोगे आप साइन चार माइनस दो दो बाई दो करोगे तो एक्स बचेगा अगर तो जीरो के बाई माइनस टू गया तो जीरो बाई माइनस टू मतलब क्या हो गया तो जीरो हो गया। अब दो चीज़ मल्टीप्लाई में है, इतना इंटू इतना इक्वल टू जीरो तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। तो अगर आप लिखते हो कि इफ साइन थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, तो देखो इस फार्मूला पर ब्रेक होगा, ये साइन थीटा इक्वल टू जीरो देन थीटा इक्वल टू एन पाई, साइन थीटा इक्वल टू जीरो देन थीटा इक्वल टू एन पाई, साइन थीटा इक्वल टू जीरो देन थीटा इक्वल टू एन पाई, या एक्स इक्वल टू एन पाई डिवाइडेड बाई थ्री, ये आपका पहला आंसर हुआ, ओके। अगेन आप चल सकते हैं, अगर साइन एक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू एन पाई, तो इसका जनरल सॉल्यूशन दो हुआ, एक तो हो गया आपका एन पाई, एक हो गया आपका एन पाई बाई थ्री, ओके। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन। एक और जनरल सॉल्यूशन पर प्रॉब्लम देते हैं, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। देखिएगा एक जनरल सॉल्यूशन मान लीजिए निकालने के लिए देता है आपको, आपसे कहता है कि चलो कुछ भी दे देते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू वन अपॉइंट टू का जनरल सॉल्यूशन निकालिए आप, कुछ नहीं करना है आपको, याद रख लेना है कि वन बाई टू कॉस के कितने डिग्री का या कितने रेडियन का वैल्यू होता है, तो कॉस 60 डिग्री का होता है, इसको लिखोगे कॉस पाई बाई थ्री, और इसके बाद जो भी मैंने फार्मूला लिखा था डियर उसमें देख सकते हैं आप कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू होता है आपको टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, इसलिए थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। इस तरह के प्रॉब्लम भी रिवीजन कर लेंगे आप तो आपके कोई भी कॉम्पिटिशन्स में या एलेवेंथ टर्म एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है, आप इसको नोट करें। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी हमेशा दो होता है, क्योंकि हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट, एक तो अपना क्वाड्रेंट और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और एक सबका अपना अपना क्वाड्रेंट होता है। अब आइए देखते हैं, जैसे हम लोग को निकालना है, मान लो क्वेश्चन द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ
sec x इक्वल टू टू ईच क्या होगा, कैसे निकालेंगे? sec x 2 दिया हुआ है, 2 बाई कुछ नहीं तो 1 है, मतलब cos x आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2। ओके, अब देखो 1 बाई टू कॉस कितने डिग्री का वैल्यू होता है, पाई बाई थ्री। तो कॉस का तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई थ्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एगो इसका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो आप पढ़े भी होंगे कि कॉस टू पाई माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा ही होता है, टू पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये क्वाड्रेंट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको इसके बारे में, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ टू पाई होता है मतलब 360 होता है, तो टू पाई में ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और टू पाई में सब्ट्रैक्ट करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, टू पाई से कम होगा तो इधर, ज़्यादा होगा तो इधर। तो कम को हम लोग लिखते हैं टू पाई माइनस समथिंग और ज़्यादा को लिखते हैं टू पाई प्लस समथिंग। ओके, इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो कॉस थीटा भी लिख सकते हो इसको, आप कॉस टू पाई माइनस थीटा लिख सकते हो मतलब पाई बाई थ्री। इसको आप एलसीएम लोगे तो ये तो पाई बाई थ्री रहेगा, लेकिन इसका जब एलसीएम लोगे थ्री टू जा सिक्स माइनस वन कॉस फाइव पाई बाई थ्री, कॉस 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 कैंसिल हो गया, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री और फाइव पाई बाई थ्री। दिस इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ सेक एक्स इक्वल टू टू बाई वन या टू और कॉस एक्स इक्वल टू वन बाई टू। आप इसको नोट करें एंड आफ्टर दैट एक और प्रॉब्लम देते हैं हम आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन पर, और उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे कैलकुलस। ओके, मान लिया जाए आपको मिल गया एक कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो डियर, टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब निगेटिव आ गया, गौर से देखना। तो दो अपना होता, चार क्वाड्रेंट है, जैसे चार घर है तो दो आपका अपना घर है, दो नहीं है, नहीं है मतलब दो माइनस वाला भी है। तो टेन का कौन अपना है, फर्स्ट अपना है, अब एक थर्ड अपना है। कौन कौन अपना नहीं है, एक सेकेंड अपना नहीं है, अब एक फोर्थ अपना नहीं है। सेकेंड होता है पाई माइनस थीटा और फोर्थ होता है टू पाई माइनस थीटा। तो याद रखना, माइनस टेन थीटा यदि मिले आपको तो इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन पाई माइनस थीटा, और एक होता है टेन टू पाई माइनस थीटा। ये हो गया आपका टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन मतलब 45 डिग्री। तो माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा को दो लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हो? एक तो लिख सकते हो पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस पाई बाई फोर, और एक और लिख सकते हो टेन टू पाई माइनस पाई बाई फोर। ओके, एलसीएम ले लोगे आप तो हो जाएगा फोर पाई माइनस पाई टेन थ्री पाई बाई फोर, और एक हो जाएगा एट पाई माइनस पाई सेवन पाई बाई फोर। टेन 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 ख़त्म, तो एक्स का दो वैल्यू आ गया, यहाँ भी थ्री पाई बाई फोर और सेवन पाई बाई फोर। ये हुआ आपका ट्रिगोनोमेट्री। हमने प्रयास किया कि ट्रिगोनोमेट्री इन वन शॉट वीडियो में बनाऊं, और आप अगर इतना भी कर लेंगे तो इलेवेंथ टर्म वन के लिए या आपके कंपटीशन के लिए माइंड फ्रेश हो जाएगा। इसके बाद कैलकुलस का लिमिट और डिफ्रेंशिएशन बताना है, या डिफ्रेंशिएशन का लिंक हम इसमें डाल देंगे जो बहुत अच्छा से बताया हुआ है उस वीडियो का, और लिमिट में इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। पहले आप इसको नोट करें, आफ्टर दैट वी स्टार्ट द लिमिट ऑफ 11th क्लास फॉर NDA JEE मेंस एयरफोर्स नेवी और टर्म वन एग्जाम 11th क्लास। कैलकुलस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ 11th एंड 12th क्लास। लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिट के बिना आपसे कंटिन्यूटी नहीं बनेगा ट्वेल्थ में, फिर डिफ्रेंशिएशन में भी प्रॉब्लम होगा। तो जब बेस न्यू कमज़ोर हो जाता है तो सब चीज़ कमज़ोर हो जाता है, इसलिए न्यू को थोड़ा मजबूत करेंगे। यद्यपि ये ऑफलाइन क्लास में लगभग 10 क्लास मतलब 10 क्लास चलता है, 10 क्लास मतलब तब जाकर ये क्लियर होता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि अगर क्लियर हो जाए। आज हम आपको तीन तरह के लिमिट बताएंगे, अलजेब्रिक लिमिट, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट। सबसे पहले अलजेब्रिक लिमिट और इसका फार्मूला मैं देता हूँ डियर। सबसे पहले इस फार्मूला पे प्रॉब्लम आता है आपको, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। इसका फार्मूला होता है डियर n a टू द पावर n माइनस वन। सेकेंड लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x टू द पावर p माइनस a टू द पावर p। अब ये क्या होगा, अब इसमें फ़र्क क्या है, इसमें सिर्फ पावर ऊपर चढ़ा है, इसमें नीचे नहीं चढ़ा है, लेकिन इसमें पावर ऊपर भी चढ़ा है और नीचे भी चढ़ा है। तो क्या पावर ऊपर भी चढ़ेगा और नीचे भी चढ़ेगा तो लड़का लेके नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा
अब कैसे पढ़ेगा, तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि कैसे पढ़ेगा। इसका फॉर्मूला याद रख लेना डियर, एन अपॉन पी इंटू ए टू द पावर एन माइनस पी। थर्ड फॉर्मूला याद रख लेना आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, इसका होता है डायरेक्ट आंसर एन। आइए तीनों पर हम एक एक प्रॉब्लम देते हैं। ये अलजेब्रिक लिमिट पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला मान लीजिए कोई पुस्तक पूछे आपसे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू दी पावर एट माइनस ए टू दी पावर एट डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग। इसको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं डियर। ये हो गया एक्स टू दी पावर एन माइन एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन बाई एक्स माइनस ए, तो हो गया एन ए टू दी पावर एन माइनस वन, तो हो जाएगा एट ए टू दी पावर एट माइनस वन मीन्स एट ए टू दी पावर सेवन। नाउ दिस इज योर आंसर। अब देखो इस पर कैसा प्रॉब्लम पूछ सकता है आपसे। पूछे यदि आपसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर 11 माइनस ए टू द पावर 11 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 5 माइनस ए टू द पावर 5, कैसे बनाएंगे इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, देखो ऊपर में n है n पी पी एन एन पी पी, तो ये हो जाएगा 11 बाई 5 इंटू ए टू द पावर 11 माइनस 5, क्योंकि आपको 11 बाई 5 इंटू ए टू द पावर 11 माइनस 5 मीन्स 6। नाउ दिस इज योर आंसर। थर्ड पर कैसा प्रॉब्लम पूछ सकता है, बहुत सीधा साधा है जी। मान लो पूछ दे एक्स टू द पावर 40 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। ऑब्जेक्टिव बनाने का ये सब दादा नहीं परदादा है डियर, ट्रिक जो काम करेगा आपको। एक्स टू द पावर एन माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 एन होता है, तो एक्स टू द पावर एन माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 एन हो जाएगा, एन मीन्स 40 हो जाएगा। नाउ दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये रहा अलजेब्रिक लिमिट, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। प्लीज नोट डाउन दिस, आप इसको नोट करें, और इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ने वाले हैं। नाउ डियर चलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। याद रख लेना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ मैथ में नॉलेज उतना ही नहीं होता है, लिमिट में बहुत ज़्यादा। सिर्फ हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ नॉलेज कुछ कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं डियर। जैसे मार्केट जाना है तो जो कपड़ा पहन के जाते हैं, अच्छा कपड़ा जो होता है पहन के जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही कपड़ा आपके पास है, और भी ज़्यादा कपड़े हैं जो जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में पहने जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग इसमें। याद रख लेना डियर, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू वन होता है। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, अगर यहाँ साइन के थीटा हो जाए, यहाँ थीटा हो, तो उसका वैल्यू के हो जाता है। ओके, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, अगर मान लो यहाँ साइन के थीटा हो जाए और यहाँ भी के थीटा ही हो जाए तब भी वन होगा, मैंने ऊपर में जितना रहेगा नीचे में उतना रहेगा तो वन होगा, लेकिन अगर k है और यहाँ m हो जाए उसका वैल्यू k अपॉन m होता है। फिर याद रखना लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, अगर ऊपर में साइन k थीटा हो जाए और नीचे में m थीटा नहीं साइन m थीटा भी अगर हो जाए तो भी उसका वैल्यू k बाई m होता है। कॉस में ज़्यादा फार्मूला नहीं होता है डियर, कॉस को मैं इधर लिख देता हूँ, सिर्फ दो ही फार्मूला होता है। जैसे मान लो कोई बोले लिमिट थीटा टेंस टू जीरो कि सिर्फ कॉस थीटा का वैल्यू वन होता है, एंड लिमिट थीटा टेंस टू जीरो कॉस के थीटा भी रहे तो उसका वैल्यू वन होता है। ओके, जितना फार्मूला साइन का उतना सब टेन का होता है, यानी लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा बाई थीटा रहे उसका वैल्यू वन होता है, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन के थीटा बाई थीटा रहे तब भी के होता है, टेन के थीटा बाई एम थीटा तो के बाई एम होता है, टेन के थीटा बाई टेन एम थीटा तो के बाई एम होता है। आइए कुछ प्रॉब्लम देते हैं हम आपको। मान लिया जाए आपको प्रॉब्लम कहे, गौर से देखेंगे आप, द वैल्यू ऑफ लिमिट, कोई जरूरी नहीं थीटा ही रहे, एक्सटेंड टू जीरो भी हो सकता है, एक्सटेंड टू जीरो तो इधर एक्स रहेगा। क्वेश्चन कहेगा साइन फोर एक्स डिवाइड बाई थ्री एक्स इच क्या होगा, तो साइन के थीटा बाई एम थीटा डायरेक्ट आंसर 4 बाई थ्री जो रहेगा उसमें टिक मार देना। ओके, अब क्वेश्चन कहे द वैल्यू ऑफ, गौर से देखना, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन 5 थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 थीटा प्लस टेन 3 थीटा, अब कैसे करेंगे। अब साइन और टेन आ गया, और साइन टेन में तब तक मामला नहीं पड़ता है जब तक नीचे में थीटा नहीं सटता है,
तो थीटा से एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, मतलब अंश हर दोनों में थीटा से डिवाइड कर दोगे यदि आप, देखना क्या होगा, साइन 5 थीटा बाई थीटा प्लस थीटा बाई थीटा डिवाइड बाई 2 थीटा बाई थीटा प्लस टेन 3 थीटा बाई थीटा। अब देखो यहाँ पर थीटा का एक यहाँ पर कैंसिल हो गया, साइन 5 थीटा बाई थीटा 5 हुआ, ये एक बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर टेन 3 थीटा बाई थीटा 3 हो गया, यानी 516 बाई 5 नाउ दिस योर आंसर। तो इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम आपसे पूछ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पूछ सकता है डियर। हमने एक प्रयास किया है ताकि आप एग्जामिनेशन कंपटीशन के टाइम में, एग्जामिनेशन के टाइम में, 11th टर्म के एग्जाम के टाइम में, या कोई भी कंपटीशन देने जा रहे हैं उसमें उसका रिविजन हो जाए। वैसे लिमिट का वीडियो स्पेशल बनाया हुआ है, और भी बना देंगे हम आपको लिए, आप टेंशन नहीं लेना। चलते हैं हम लोग आगे, एक्सपोनेंशियल लिमिट। अब देखिए एक्सपोनेंशियल लिमिट में कुछ रूल्स हैं जिसको आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, एक याद रखना, e टू द पावर एक्स एंड e टू द पावर माइनस एक्स, ये होता है डियर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटिव। ई टू द पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है डियर 1 माइनस एक्स प्लस अल्टरनेट होता है पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस माइनस फिर प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटिव। इसमें और कुछ ट्रिक्स हैं जो याद रखने होंगे आपको, डायरेक्ट आपके कंपटीशंस में या ऑब्जेक्टिव में काम करते हैं। याद रखना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू माइनस 1 होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर के एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू के होता है, के की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, एंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर माइनस के एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू माइनस के होता है। और याद रखना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर के एक्स माइनस ई टू द पावर एम एक्स बाई एक्स रहे तो के माइनस एम होता है। अब आइए इन पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पर हम कुछ प्रॉब्लम बताते हैं आपको, इस पर कैसा कैसा प्रॉब्लम आ सकता है, इसका नोट करें। मुझे उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए देखते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल लिमिट कैसा कैसा आता है। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन कहे, गौर से देखेंगे आप, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स ईच क्या होगा। एकदम कुछ मत करो, अभी फार्मूला आपने देखा, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोए, ढाई अक्षर ट्रिक का पढ़े सो पंडित होए। ओके, आप के होता है ई टू द पावर 3x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, नाउ दिस इज आंसर, नो प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और देखना, आपसे क्वेश्चन कहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर 8x माइनस साइन 3x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। अब कहोगे सर यहाँ तो कबाब में हड्डी हो गया, साइन 3x भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको थोड़ा अलग कर दो, कहो भाई आपसे काम नहीं बनेगा, जैसे अपने मोहल्ला में काम नहीं बने कोई चीज़ तो दूसरे मोहल्ला में जाते हो काम बनाने, तो इनको बोलेंगे आप उधर चले जाइए, मेरा वाले को इधर ले आइए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इसको लिख दो आप ई टू द पावर 8x माइनस 1 को एक साथ लिख दो और माइनस साइन 3x को लिख दो डिवाइड बाई एक्स कर दो। अब देखो ई टू द पावर 8x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू 8 और साइन 3x बाई एक्स, अरे लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन के थीटा बाई थीटा के होता है 3 एंड नाउ दिस योर 5 नाउ दिस योर आंसर। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने प्रयास किया है कि ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस 11th टर्म 1 के लिए, या आप NDA JEE मेंस एयरफोर्स नेवी का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट और कुछ प्रॉब्लम दिया जाए, आप इतना भी करेंगे तो 11th टर्म 1 में 50 to 70% क्वेश्चन बना करके आप आ जाएंगे।
बाकी हमारा प्रयास और आपका विश्वास दोनों मिलेंगे, आप मेहनत करेंगे, मेहनत करने वालों को भी हार नहीं होती है, तो आप अच्छा करेंगे। मेरा शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि 12th क्लास में और अच्छा अच्छा वीडियो इसी तरह का आपको मिल सके, और कंपटीशन के लिए भी यदि आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी बहुत सारे वीडियो हम बनाएं तो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट मूड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जो अपने घर के गरीबी को मिटा सकते हैं, अपने पिताजी का नाम रोशन कर सकते हैं, और एक भविष्य से जो परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है उसको खुशी से रख सकते हैं। नाइस, बाय, थैंक यू।